Priya's Cooking with Fun. आज मैं लाई हूँ एक बहुत ही यम्मी जबरदस्त रेसिपी जिसका नाम है चिकन नगेट्स. हम सभी को चिकन नगेट्स खाना बहुत पसंद है, बट यूजुअली हम चिकन नगेट्स जो फ्रोजन मिलते हैं वो लाके खाना पसंद करते हैं. बट क्यों ना ये यम्मी चिकन नगेट्स हम घर पर बनाएं और उससे भी ज्यादा टेस्टी बनाएं. तो आज ये चिकन नगेट्स जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो आप प्रिजर्व करके 15-20 दिन 1 महीने तक आराम से फ्रीजर में रखकर इसका लुफ्त लंबे समय तक उठा सकते हैं. सिर्फ 500 ग्राम चिकन से आप 25 से 30 बड़े साइज के चिकन नगेट्स बना सकते हैं. अभी इसका आप यूज एज अ बर्गर पैटी भी कर सकते हैं, बिकॉज ये चिकन नगेट्स जो है एकदम छोटे साइज के नहीं बनेंगे, थोड़े से बड़े साइज के बनाना मैं आपको बताऊँ. तो चलिए क्विकली क्विकली बढ़ते हैं मेरे किचन की तरफ, ताकि यम्मी जबरदस्त टेस्टी रेसिपी जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद है कैसे बनती है. तो दोस्तों ये फैंटास्टिक चिकन नगेट्स जो हम घर पर बनाने वाले हैं, जो बाहर वाले फ्रोजन नगेट्स को फेल कर देगा, तो उसके लिए मैंने लिया है 1/2 किलो बोनलेस चिकन. इसको मैंने वॉश करके सारा एक्सेस वाटर स्ट्रेन कर लिया है. फिर मैंने लिया है ये एक पूरा कैबेज, देखिए इसको मैंने ऐसे ही रफली कट कर लिया. देखिए कितने बड़े बड़े पीसेस मैंने कट कर लिए इसके, ठीक है. सब कुछ ऐसे ही रफली मुझे डालना है, ठीक है. ये एक कैबेज मैंने कम से कम लिया है, ये 1/2 किलो से थोड़ा कम था, 400 ग्राम तकरीबन मैंने कैबेज लिया है. मैंने फिर ये तीखी मिर्ची ली है 7 से 8, ये भी मैं ऐसे ही डाल दूंगी. फिर मैं ले रही हूँ पेपर पाउडर. अब चाहे तो अक्की काली मिरी भी डाल सकते हैं, पर मेरे पास कुटी हुई है जो मैं घर पर बना के रखती हूँ, तो मैं ऐसे 1 चम्मच भर कर इसके अंदर ये कुटी हुई काली मिर्ची का पाउडर डालूंगी. फिर मैं डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट ऐसे 1 चम्मच भरकर. अब मुझे गैस को कर देना है फास्ट, ओके. और फास्ट गैस पर मुझे इसको पहले तो लिड लगा के पकाना है और इसका पूरा पानी टोटली सूख जाना चाहिए, तब तक मुझे इसको पकाना है. 15 से 20 मिनट लगेंगे ज्यादा से ज्यादा इसको अच्छे से पूरा सूख जाने के लिए. जो कैबेज आपको ऐसे दिख रहा है वो पूरा ड्राई होके एकदम सूख जाएगा. सूखने के बाद में ये कैसे दिखता है मैं आपको बताती हूँ. तो देखिए दोस्तों 15 मिनट्स हो गए, मतलब 15 मिनट हो गए हैं, कैबेज पूरा नरम हो गया है, चिकन कुक हो गया है, पानी भी सारा सूख गया है. अब मैंने इसको पकाने के टाइम पे आपसे बातें करते करते बोलना भूल गई कि मैंने इसमें 1 टीस्पून और आधा, मतलब 1.5 चम्मच मैंने इसके अंदर मैंने नमक डाल दिया था, ओके. आप आपके टेस्ट के हिसाब से डालिए, आपको जितना नमकीन चाहिए उतना, पर मसाले यही डालने आपको. इसको ठंडा करके मुझे इसको पीसना है. अब ये पूरा एक साथ नहीं पीसना है, थोड़ा थोड़ा बैचेस, 1-3 बैचेस बना के इसको आपके मिक्सर में पीसना है. अगर आपके पास ग्राइंडर है, मीट ग्राइंडर है, उसमें भी आप पीस सकते हैं, ब्लेंडर है उसमें भी आप ब्लेंड करके ले सकते हैं, ओके. मेरे पास मिक्सर है, मैं मिक्सर की मदद से इसको पीसने वाली हूँ, ओके. दोस्तों अभी जैसे मैं इसको पीसने वाली हूँ, साइडवेज दूसरे कंटेनर में मैं ये बटर भी पीसने वाली हूँ. अभी कौन सा बटर है मालूम, खारी बटर वाला बटर है ये. अब मेरे पास ब्रेड क्रम्स नहीं है, मैं यूजुअली इसी के ब्रेड क्रम्स बनाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होते हैं. तो ये खारी बटर वाला जो बटर है इसको मैं पीस कर, इसको दरदरा पीस कर, इसके ब्रेड क्रम्स जैसे बना कर, फिर और अपने चिकन को पीस कर मैं आपसे मिलती हूँ नगेट्स बनाने के लिए. तो दोस्तों देखिए मैंने ये चिकन को पीस लिया है, एकदम भी बारीक ऐसे नहीं किया है, थोड़ा दरदरा मैंने रखा है, ओके. अब इसके हम बनाएंगे नगेट्स, ओके. मैंने लिए है वही बटर, खारी बटर वाले बटर, 1/2 चम्मच मैं इसके अंदर फ्लेक्स डालकर इसको मिक्स करने वाली हूँ ऐसे, ठीक है. ये हमारे कोटिंग के काम आएगा, ओके. ऐसे मैं मिक्स करने के बाद मैं इसको रखती हूँ साइड में. और मैंने लिए है 2 एग्स जिसको मैंने बीट कर दिया है, ठीक है. तो पहले मैं बनाऊंगी कटलेट. ये थोड़ा सा मैं ऐसे चिकन को अपने हाथ में ले लूँगी, पीसे हुए चिकन को, बिल्कुल चिपकेगा नहीं देखिए आपके हाथ में,
ठीक है। आप चाहे वो शेप बना सकते हैं, मैं ऐसे थोड़ा राउंड शेप बना रही हूँ, ठीक है। अब इसको बनाने के, ऐसे बनाने के बाद में मुझे इसको करना है एग में डिप, ओके। ऐसे एग में डिप करने के बाद में निकाल कर मुझे इसको करना है इस ब्रेड क्रम्स के अंदर ऐसे कोट। एक हाथ से अगर आप एग से कोट कर रहे हैं तो दूसरा हाथ खाली रखिए ब्रेड क्रम्स में से निकालने के लिए। तो ऐसे आपके सारे नगेट्स आपको बनाने हैं और एक साइड में आपको रखने हैं। अब ऐसे नगेट्स बनाने के बाद में आप इसको प्रिजर्व करके जिप लॉक पाउच में आराम से 15 से 20 दिन या एक महीने तक खा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जब भी आपको चाहिए तो आप इसको तल कर आपके बच्चों के लिए, घर में कोई मेहमान आए उनके लिए ये नगेट्स फ्राई कर सकते हैं। इसी तरह आपको सब नगेट्स बनाकर लेने हैं और इसको फ्राई करते समय भी ये कैसे लगेंगे मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए दोस्तों, हमारे चिकन नगेट्स रेडी हैं। मैंने कम से कम 30 ऐसे 30 नगेट्स बनाए हैं और इसका साइज भी देखिए एकदम बड़ा है। आप इसको चाहिए तो एज अ बर्गर पैटी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरफ मैंने रख दिया है अपना पैन गरम होने के लिए। इसके अंदर मैंने थोड़ा तेल डाल दिया है। अब तेल डालते ही इसके अंदर मैं ये नगेट्स फ्राई होने के लिए डालने वाली हूँ। और जो बचे हुए नगेट्स हैं, जैसे मैंने आपको कहा, आप इसको प्रिजर्व कर सकते हैं एक जिप लॉक बैग में। थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डस्ट करके डालेंगे तो बेटर रहेगा, ताकि फिर वो एक दूसरे को चिपकेंगे नहीं। तो देखिए कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं ये नगेट्स। और बाजार वाला तो आप भूल ही जाएंगे, बिकॉज देखिए आधे किलो चिकन में मैंने 30 ऐसे नगेट्स बनाई हूँ। अगर आप ये फ्रोजन लेने के लिए जाएंगे जो साइज का मैंने बनाया है, तो तकरीबन आपके 600-700-800 रुपए कहीं नहीं गए। आधा किलो चिकन में बस आप इतने सारे नगेट्स घर पर बना सकते हैं, वो भी एकदम मिनिमल इंग्रेडिएंट्स, मैंने कम से कम इंग्रेडिएंट्स के साथ में आपको बताया है। तो प्लीज बनाएं ये रेसिपी और मुझे बताएं कि ये झटपट चिकन नगेट्स आपको कैसे लगे। इसकी प्लेट दोस्तों, एक साइड इसको अच्छे से फ्राई हो जाने के बाद में आपको इसको दूसरी साइड से भी अच्छे से फ्राई कर लेना है। वाओ, 2 मिनट, बस 2 मिनट एक साइड से फ्राई, बिकॉज सब कुछ पका हुआ है इसके अंदर, मुझे कुछ पकाना नहीं है। एवरीथिंग इज कुक, सब कुछ पका हुआ है, सिर्फ आपको थोड़ा सा इसको फ्राई करके लेना है। दो मिनट एक साइड से और 2 मिनट दूसरी साइड से। फर्स्ट क्लास। अब इसकी प्लेटिंग करके मैं आपसे मिलती हूँ, ओके। तो देखिए दोस्तों, हमारी फाइनल प्लेटिंग हो गई है और क्या लाजवाब दिख रहे हैं हमारे चिकन नगेट्स। और इसका टेस्ट बहुत बहुत बेहतरीन होता है। मैंने दिए गए टेक्निक से अगर आप बनाएंगे आधे किलो चिकन के साथ में, आप आराम से 25 से 30 ऐसे नगेट्स बना सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं और मज़े से अपनी फैमिली के साथ में एंजॉय करके खा सकते हैं। मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताएं। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तुरंत ही कर लीजिएगा। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई, लाइक और शेयर करना भूलिएगा मत। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।